कहानी की शुरुआत सोल शहर की एक लैब से होती है, जहां एक साइंटिस्ट अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जो सिर्फ अपने पिता की मशीनों की वजह से जिंदा थी। वहीं लैब में कुछ छिपकलियां भी मौजूद थी जो म्यूटेंट थी, और इसीलिए वो इधर उधर चल फिर रही थी। साइंटिस्ट ने अपने असिस्टेंट को मार दिया था क्योंकि वो उसे एक्सपेरिमेंट नहीं करने दे रहा था। वो अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे एक इंजेक्शन देने ही वाला था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि उस आदमी ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। साइंटिस्ट उनको अपने शानदार डिस्कवरी दिखाने के लिए खुद को इंजेक्शन देने ही वाला था, तभी अर्थक्वेक से सब हिलने लगता है। पुलिस ऑफिसर्स अपनी जान बचाने को भागते हैं, लेकिन साइंटिस्ट अपनी बेटी की रक्षा के लिए वहीं रहता है और कहता है, मैं अपनी बेटी को बचाव कर रहूंगा। वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन तभी वो बिल्डिंग गिर जाती है और वो सारा एरिया तबाह हो जाता है। सब तबाह होने पर लोग छोटे विलेजेस बनाकर रहने लगते हैं, जहां पानी और खाना ना होने के कारण लोग थोड़े से खाने या पानी के लिए एक दूसरे की जान ले लेते हैं। 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सारी दुनिया के साथ साथ सोल शहर भी अर्थक्वेक में तबाह हो चुका था। न खाने के लिए खाना था, न पीने को पानी, और ना ही उगने के लिए कोई फसल थी। तभी हम अपने हीरो जीवन को देखते हैं, जो बैडलैंड में खाने के लिए शिकार कर रहा था। उसे अपने सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ नजर आता है, जिस पर जीवन निशाना लगाकर तीर मारता है, लेकिन वो तीर उसकी आंख में लगने की बजाय आंख के पास लगता है, जहां से उसकी चमड़ी मोटी थी, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मगरमच्छ अब जीवन को नहीं छोड़ने वाला था, इसलिए वो उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। जीवन, जो पहले हीरो बन रहा था, अब खुद को बचाने के लिए एक कार में बैठ जाता है, लेकिन कार के दूसरे दरवाजे से मगरमच्छ अंदर आने की कोशिश करता है। तभी कहानी का दूसरा मेन लीड नाम आता है और एक तलवार मगरमच्छ की गर्दन में घुसा कर उसे खत्म कर देता है, जिससे जीवन की जान बच जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है, जीवन और नाम दोनों ही इस बैडलैंड की शिकारी हैं। अगले सीन में हम एक लड़की सोना को देखते हैं, जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। सोना की दादी पूरे शहर में घूमकर थोड़ा सा पानी लेकर आती हैं, जिसे फिल्टर करके ये लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सोना की दादी उसे कहती हैं, अब तुम्हें इस जगह को छोड़कर किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ खाने पीने के लिए साफ चीजें हों। जिस पर सोना दादी को कहती है, अगर मैं चली गई तो आपकी रक्षा कौन करेगा, इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी तरफ शहर के बाकी बचे लोगों ने अपनी छोटी सी बस्ती बना ली थी, जहाँ जीवन और नाम जो भी शिकार करके लाते थे वो सब लोगों में बांट देते थे। बदले में शहर के लोग हथियार या कुछ काम की चीजें उन्हें दे देते थे। एक औरत सेवर से भरा हुआ एक बॉक्स नाम को देती है, लेकिन नाम को ये बेकार लगता है, इसलिए वो लेने से मना कर देता है, लेकिन उस औरत को खाने के लिए एक सांप दे देता है। तभी वहाँ सोना अपनी दादी के साथ आती है और नाम को उसका स्केच देती है, जो सोना ने खुद बनाया था। ये देखकर नाम उसे बहुत इम्प्रेस होता है और बदले में उसे खाने के लिए मगरमच्छ का बड़ा पीस देता है। इसी बीच वहाँ कुछ गुंडे आते हैं, जो कुछ खाने पीने की तलाश में थे। वो गुंडे इस बस्ती में आकर मारपीट शुरू कर देते हैं, जिस पर लोग उनसे पूछते हैं, तुम हमारी बस्ती में आकर हमें नुकसान क्यों पहुंचाते हो। तो एक गुंडा कहता है, हम अपार्टमेंट के लोग हैं, हम जिन लोगों को चूज करेंगे उन्हें हमारे साथ चलना होगा। फिर वो 18 साल और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चूज करता है। ये देखकर नाम उनके लीडर की धुलाई करता है और उसका सर एक टेबल पर रख कर उसकी गर्दन के पास चाकू रखता है और उसे कहता है, आज के बाद अगर तुम यहाँ नजर आए तो यहाँ के लोग तुम्हारे ही कोष से दावत उड़ाएंगे। नाम उसे उसके बॉस का नाम पूछता है तो वो उसे बताता है, मेरे बॉस का नाम टाइगर है। ये सुन के नाम उसे कहता है, जाके अपने बॉस को बता दो। इस बस्ती का रखवाला नाम है, जिसके होते हुए ये लोग इस बस्ती के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर वो सब शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि नाम एक वक्त में बहुत फेमस बॉक्सर था, जो एक ही पंच में बड़े से भरे बॉक्सर को ढेर कर देता था। इस लड़ाई के बाद जीवन और नाम अपने अगले शिकार को ढूंढने के लिए वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ लोग बस्ती में नजर आते हैं, जो सोना और उसकी दादी से बात कर रहे थे। जीवन, जिसका सोना पर दिल आ गया था, नाम से कहता है, हमें उनके पास जाकर देखना चाहिए उनके बीच क्या बात हो रही है। ये लोग अपार्टमेंट से आए थे, जिन्हें लेडी टीचर लीड कर रही थी। टीचर सोना और उसकी दादी से कहती है, दुनिया तबाह हो रही है, इसलिए हम 18 और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अच्छी तालीम देकर इस दुनिया को बचा सकते हैं। सोना की एज 18 थी,
इसलिए वो सोना को अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन सोना कहती है, मैं अपनी दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। सोना की बात सुनकर टीचर कहती है, हमारे पास ओल्ड एज लोगों के लिए भी जगह है, इसलिए सोना अपनी दादी को भी साथ ले जा सकती है। वो कहती है, पहले हम तुम्हारी दादी का ट्रीटमेंट करवाएंगे और जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी तो उन्हें भी हम अपार्टमेंट में ले आएंगे। ये सुनकर सोना और उसकी दादी सोचती हैं, इस बस्ती में तो वैसे भी कुछ नहीं बचा, लेकिन अपार्टमेंट में उन्हें सब मिलेगा। तो वो दोनों यहाँ से शिफ्ट होने के बारे में सोचने लगती हैं। ये सुनकर जीवन उदास हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था सोना ये बस्ती छोड़कर जाए। सोना जाने से पहले जीवन को एक ड्राइंग देती है जो उसे अच्छी लगती है, पर वो जाकर भी सोना को नहीं रोक सकता था। रात को नाम जीवन के साथ अपने रूम में था, जहाँ वो एक दीवार पर लगी बहुत सारी पेंटिंग्स देख रहा था। नाम की एक बेटी थी जो शहर के खराब हालात में और लोगों की तरह मारी गई, इसलिए नाम अब सोना को ही अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता था। जीवन जो सोना के जाने पर उदास बैठा था, नाम से कहता है, अगर आप मेरे दोस्त हो तो मुझे भी उस अपार्टमेंट में भेज दो ताकि मैं सोना के करीब रह सकूं। इधर टीचर और उसकी बाकी साथी सोना और शहर से लाए गए बाकी 18 साल और कम उम्र के बच्चों को देखती है। चलते चलते सोना उस जगह की एक ड्राइंग बना लेती है। तभी सोना की दादी की हालत खराब होने लगती है, जो देखकर टीचर सोना से कहती है, यहाँ करीब ही हमारा एक हेल्थ रिकवरी कैंप लगा हुआ है, जहाँ हमारे आदमी तुम्हारी दादी को ले जाएंगे। वो सोना से कहती है, जब दादी ठीक हो जाएंगी तो हम उन्हें तुम्हारे पास ले आएंगे। वहाँ आए एक और परिवार में से एक बुरे आदमी से भी चला नहीं जा रहा था, इसलिए कुछ लोग सोना की दादी और उस बुरे आदमी को वहाँ से ले जाते हैं। ये उन लोगों की एक चाल थी, क्योंकि वो इन बुरे लोगों को किसी कैंप में नहीं ले जा रहे थे, बल्कि उन्हें मारने वाले थे। उसी वक्त वहाँ नाम और जीवन आते हैं और उन्हें ऐसा करता देख लेते हैं, इसलिए वो जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो लोग दादी और उस बुरे आदमी को मार चुके थे। ये देखकर नाम को गुस्सा आता है, तो वो इन लोगों की कुट लगाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि अपार्टमेंट के इन लोगों को चोट लगने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि चाकू के घाव लगने से भी वो नहीं मर रहे थे। इन लोगों की ताकत और स्पीड भी बढ़ गई थी, इसलिए नाम उन्हें हराने के लिए अपनी एक गन निकाल कर उन सब के फोरहेड पर गोली चला देता है, तो वो मर जाते हैं। इससे उन्हें पता चलता है ये लोग सिर्फ सर में गोली मारने से मरेंगे। नाम और जीवन सोचते हैं ये लोग म्यूटेंट कैसे हुए और ये लोग सोना और बस्ती के आए बाकी लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। ये जानने के लिए वो दोनों अपार्टमेंट जाने की तैयारी करने लगते हैं। दादी को दफनाने के बाद ये दोनों अपार्टमेंट जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक आर्मी ऑफिसर ली मिलती है, जो इन दोनों को जाने से पहले अपार्टमेंट की सच्चाई बताना चाहती थी। यहाँ हमें 3 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब सोल शहर तबाह हुआ था। तभी पहले सीन वाले साइंटिस्ट ने इस बिल्डिंग को चूज किया था, जहाँ उसने आर्मी के लोगों को शिफ्ट किया। उस साइंटिस्ट ने 18 साल से कम उम्र के लोगों को इस बिल्डिंग में लाने का कहा था, क्योंकि इन लोगों के शरीर में एक ऐसा लिक्विड बनता है जिससे इंसानों को इवॉल्व किया जाएगा। असल में ये साइंटिस्ट इंसानों के शरीर को ऐसा बनाना चाहता था जिससे इंसानों को जिंदा रहने के लिए कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सब सुनकर ली समझ जाती है ये सब करने में बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने उन लोगों का साथ देने से मना कर दिया। प्रेजेंट में बस्ती से चूज की गई फैमिलीज उस बिल्डिंग में पहुंच जाती हैं, जहां साइंटिस्ट उनका स्वागत करता है। वो इन सब लोगों को सबसे पहले वो पानी पीने का कहता है जो उसने साफ करके यहां आने वाले लोगों को पिलाने के लिए रखा था। फिर वो उन्हें बताता है, यहां हर परिवार को एक रूम दिया जाएगा और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाएगी। वो कहता है, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के बदले उनके पेरेंट्स को यहां के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। जीवन और नाम को देखें तो उनको ली बता रही थी उस बिल्डिंग के चारों तरफ आर्मी के लोगों का पहरा है, इसलिए अगर तुम्हें सोना और बाकी बच्चों को बचाना है तो तुम्हें अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम लेकर जाना पड़ेगी। ली कहती है, अगर हम लोग अकेले वहां गए तो आर्मी वाले कुछ ही देर में हमें भून देंगे। ये सुनकर नाम सोचता है और फिर टाइगर के पास पहुंच जाता है, जिसके कुंडे हर दूसरे दिन बस्ती में आकर वहां के लोगों को तंग करते थे और बस्ती में से 18 साल के बच्चों को उठा लेते थे। नाम उसके पास जाता है और टाइगर के कुंडों की कुट लगाने के बाद टाइगर से सच उगलवा लेता है। टाइगर उसे बताता है, हम हर हफ्ते मुख्तलिफ बस्तियों से 18 साल के बच्चों को उठाकर अपार्टमेंट बेच देते हैं, जिसके बदले वो लोग हमें गन्स, पानी और कुछ खाने का सामान देते हैं। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में जिन बच्चों के नंबर 6 आते थे, उनके परिवार को बाकियों की निस्बत खाने पीने के लिए अच्छी चीजें दी जाती थी, जिस पर वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। सोना को इस सब के पीछे कुछ चाल लग रही थी, लेकिन
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस चुप होकर ऑब्जर्व कर रही थी। सोना को जब क्लास में ले जाया जाता है तो उसे वहाँ बैठे सब बच्चों के कानों के नीचे गर्दन के करीब स्पाइनल कोर्ड के पास एक चेहरा नजर आता है जिसे दोबारा टांके लगाकर सिलाई कर दिया गया था। यह सब उस साइंटिस्ट का काम था जो 18 साल के बच्चों के स्पाइनल कोर्ड में बनने वाले लिक्विड को बाकी इंसानों को इवॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सोना को सब बच्चे बेसुध नजर आते हैं जिन्हें अपने इर्द गिर्द का कोई होश नहीं था। तभी टीचर उन बच्चों से कहता है, आप लोग ही हमारी आखिरी उम्मीद हो जो आने वाले भविष्य को सुंदर कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए एक खास पानी और डाइट होगा। वहाँ बैठी सोना की एक दोस्त टीचर से कहती है, मैं आपके एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह आपके काम आ सकती हूँ, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन वो नहीं जानती थी ये लोग यहाँ लाने वाले बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। इसी बीच वहाँ साइंटिस्ट भी आ जाता है और सब स्टूडेंट्स को वही सब कहता है जो टीचर ने उनसे कहा था। ये सुनकर सोना उसे कहती है, आप लोगों ने कहा था मेरी दादी यहाँ मेरे पास आ जाएंगी। जिस पर साइंटिस्ट उसे कहता है, तुम्हारी दादी अभी बीमार है, जैसे ही ठीक हो जाएंगी उन्हें यहाँ ले आएंगे, लेकिन अभी तुम यहाँ की हाथीदारी का मजा लो। सीन शिफ्ट होते हैं लैब में जहाँ साइंटिस्ट सर्जन को एक इंजेक्शन देता है जिससे उसके शरीर में म्यूटेशन आ गई थी। सर्जन भी अब बाकी लोगों से ज्यादा स्ट्रांग और ना मरने वाला बन गया था, लेकिन दिक्कत इस बात की थी उसे बार बार साइंटिस्ट से डोज लेना पड़ती थी। सर्जन साइंटिस्ट कहता है, आपने तो कहा था कुछ वीक्स ये डोज लेने के बाद हम बिना खाए पिए जिंदा रह सकेंगे, लेकिन आप लोग हर वीक मुझे ये डोज दे रहे हो, ऐसा कब तक चलेगा? साइंटिस्ट कहता है, मुझे बस कुछ और बच्चों की जरूरत है जिसके बाद मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाऊंगा। अपार्टमेंट में आए परिवार वहाँ काम तो कर रहे थे पर उन्हें अपने बच्चों से मिले 3 दिन हो गए थे, इसलिए एक लड़की के पेरेंट्स टीचर से कहते हैं, हमें हमारे बच्चों से क्यों नहीं मिलाया जा रहा। सुनकर सर्जन उन्हें लैब में ले जाता है जहाँ उनकी बेटी के शरीर से वही लिक्विड निकाला जा रहा था। उस लड़की के माता पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत हैरान होते हैं जिसे साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर पर लिटाया हुआ था। वो कहते हैं, हम अपनी बेटी को अभी यहाँ से ले जाना चाहते हैं। इसके साथ ही वो अपनी बेटी के पास जाते हैं तो साइंटिस्ट उन्हें उनकी बेटी को टच करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। जैसे ही वो अपनी बेटी को टच करते हैं तो फ्रिक्वेंसी खराब हो जाती है जिस कारण उनकी बेटी की वही मौत हो जाती है। ये देखकर साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़की के पेरेंट्स से कहता है, तुम लोगों ने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। वो चिल्लाते हुए कहता है, अभी मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था, और फिर गुस्से में चाकू निकाल कर उन दोनों की वही जान ले लेता है। ये सब सोना दूर खड़ी देख रही थी और इससे पहले वो वहां से भाग पाती, साइंटिस्ट उसे देख लेता है और अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए उसे पकड़कर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट के बाहर 18 साल के बच्चों का ट्रक आता है जो देखकर वहां खड़ा सोल्जर ट्रक में बैठे टाइगर से कहता है, वापस चले जाओ। तो टाइगर कहता है, आज ही डिलीवरी का बोला गया था। नाम जो ट्रक ड्राइव कर रहा था सोल्जर की बात सुने बगैर फुल स्पीड में ट्रक अपार्टमेंट की तरफ ले जाकर अपार्टमेंट में घुसा देता है। ट्रक को जबरदस्ती अंदर आता देख कर सोल्जर्स उन पर फायरिंग करने लगते हैं जिसके जवाब में जीवन और ली भी उन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाजें सुनकर वहां आए परिवार डर कर अपने रूम में छुप जाते हैं। उधर लैब में साइंटिस्ट को पता चलता है कि कोई उसका प्रोजेक्ट तबाह करने के लिए अंदर घुस आया है, तो वो उनका मुकाबला करने के लिए उन अपने पुराने एक्सपेरिमेंट किए हुए लोग छोड़ देता है जो म्यूटेड थे, जिनके साथ जीवन ली और नाम जम कर लड़ाई करते हैं। वो इन सब में से किसी के सर पर गोली मारते हैं तो किसी के हाथ पैर काट देते हैं। ये लोग साइंटिस्ट के छोड़े हुए म्यूटेड लोगों पर भारी पड़ने लगे थे जो देखकर सर्जन वहां पहुंच जाता है। ली उसके साथ लड़ाई करने लगती है लेकिन वो म्यूटेड इंसान के सामने कितनी देर टिक पाती, इसलिए जीवन क्लास में टीचर पर गन तान कर उसे सर्जन के सामने ले आता है और सर्जन से कहता है, अगर तुमने ली को नहीं छोड़ा तो मैं इसे शूट कर दूंगा। सर्जन कहता है, मुझे इस सबसे कोई मतलब नहीं क्योंकि मैंने इससे जो काम करवाना था वो करवा लिया है। वो कहता है, मेरे पास अब वो पावर है जिसके होते हुए मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन तब ही वहाँ नाम पहुँच जाता है और फिर उन दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। दोनों ही हार नहीं मान रहे थे। नाम मौका पाते ही अपने खंजर से उसकी गर्दन काट देता है। लैब में जहाँ सोना पर एक्सपेरिमेंट होने वाला था वहाँ जीवन पहुँच जाता है और किसी तरह सोना को बचाने में कामयाब हो जाता है। साइंटिस्ट जब देखता है ये लोग इस जगह को तबाह कर देंगे तो वो शीशे के बॉक्स में बंद अपनी बेटी को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। उसकी बेटी
अधमरी हालत में थी, जिसका दिल अभी भी धड़क रहा था। साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक बैग में डालकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसी वक्त वहां सब लोग आ जाते हैं जिन्हें मुख्तलिफ बस्तियों से वहां एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया था। वो साइंटिस्ट पर टूट पड़ते हैं और उसे खूब कुट लगाते हैं, लेकिन उसके हाथ भी एक गन लग जाती है जिससे वो उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देता है, और इसी चक्कर में उस बैग पर भी गोली लग जाती है जिसमें उसकी बेटी थी। ये देखकर वो जल्दी से बैग खोलकर देखता है, लेकिन उसकी बेटी मर चुकी थी, जिस पर वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो सोचता है, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने अब तक जितनी भी डोज ली थी वो उसे पावरफुल बनाने के लिए काफी थी, लेकिन वो नहीं जानता था उसने जो आखिरी डोज सोना का लिया था, उस डोज से पहले सोना ने वो स्पेशल खाना और पानी नहीं पिया था जो एक्सपेरिमेंट से पहले दिया जाता है। इसलिए साइंटिस्ट के डीएनए में वो चेंजेस नहीं हुए थे जिससे वो म्यूटेट बन पाता, इसलिए उसके शरीर में रिएक्शन हो जाता है जिस कारण वो उल्टियां कर करके खुद ही मर जाता है। आखिरी सीन में बस्ती के बचे हुए लोग अपार्टमेंट के लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर वापस उसी बस्ती में चले जाते हैं जहां नाम एक बार फिर से उनके लिए शिकार करके खाना पीना लेकर आता है। इसी के साथ इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।